मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड के महानायक अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की मंगलवार को 122वीं जयंती मनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल जन्म 11 जून 1897 को हुआ था। मंगलवार को सिविल लाइन स्थित हरिओम नगर तिराहे पर स्थापित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े सहित भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर जिला जेल में 19 दिसंबर 1927 को जब अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी के फंदे पर झूले तो उनकी उम्र महज 30 साल थी। यूपी के शाहजहांपुर जिले में 11 जून 1897 को जन्मे बिस्मिल ने देश की आज़ादी के लिए अपना अहम योगदान देते हुए हंसते हंसते अपनी जान दी थी। यही वजह है कि काकोरी कांड के महानायक को पूरा देश मंगलवार को नमन किया। 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी आंदोलन में कूदे राम प्रसाद बिस्मिल उपनाम से कविता, शायरी और साहित्य लिखा करते थे। वे राम और अज्ञात उपनाम से भी कविता लिखते हैं। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा, चलिए आप सब राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। भारत माता के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत वीरों की जय। ग्यारह जून 1897 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जिला कारागार में उनकी फांसी हुई थी। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ युवा इकट्ठे हुए हैं और भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे भारत माता के सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्मदिन के अवसर पर उनको माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी युवा यहाँ इकट्ठे हैं।